आई थिंक अदालत अपने नतीजे पर पहुंच चुकी है। अब और कोई दलील नहीं होगी मिस्टर सिंह। सारी दलीलों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत पुलिस को आदेश देती है कि वो सबसे पहले ये तहकीकात करें कि अरिंदम मजूमदार अगवा हुए हैं या उनका खून हुआ है, और अगर उनका खून हुआ है तो उनकी बॉडी ढूंढी जाए। तहकीकात खत्म होने के बाद ही इस केस को नए सबूतों और दलीलों के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। और अगर 24 घंटों के अंदर बॉडी नहीं मिलती है तो खून का मामला खारिज किया जाएगा। मैंने उन्हें जिंदा देखा है, बॉडी तो कहाँ से मिलेगी अंकल की? और तब तक के लिए सबूतों के आधार पे शान मजूमदार को यह अदालत बाइज्जत बरी करती है। Congratulations. Thank you so much. तेरी गवाही ने बचा लिया जूनियर। अब सर पर बिना कलंक इस दुनिया में अपने आने वाले बच्चे का स्वागत कर सकूंगा मैं। शान उसे अपना बच्चा समझकर कितने ख्वाब बुन रहा है। बाहरों को किया वादा बाद में पहले दोस्ती निभानी, उसे सच्चाई बतानी ही होगी। एक तरकीब है जिससे शान पक्का फंस सकता है। कौन सी तरकीब? जो है नहीं वो सबूत खड़े करती है, अरिंदम को मार देती है। क्या? हाँ, 24 घंटे की मोहलत खत्म होने से पहले ही पुलिस को अरिंदम की लाश मिल जाएगी और सारा का सारा इल्जाम शान के ऊपर आएगा। बतौर सबूत उसकी बॉडी के पास हम शान की कोई चीज रख देंगे और शान वो लंबा अंदर जाएगा। और एक बार वो इस इल्जाम में फंसा तो बेचारा इतने सालों के लिए अंदर जाएगा कि जेल वाले उसे चलाने के लिए ही बाहर भेजेंगे और हम हमेशा के लिए आजाद हो जाएंगे। क्या बकवास कर रहे हैं आप? अरिंदम पति हैं हमारी, हम भला ऐसे कैसे कर सकते हैं? अब तक जो कुछ करती आई हो तब याद नहीं आया कि वो पति है तुम्हारा? ये अच्छा है। जब चाहो शैतान, जब चाहो सावित्री। सोचने समझने का वक्त नहीं है हमारे पास। और वैसे भी अरिंदम ने तो आपके साथ धोखा किया ही था ना। एक बाजारू औरत बुलाकर आपकी सौतन बना दिया और उसके सुरक्षा बेटे को मजूमदार खानदान का वारिस भी बना दिया। इससे बड़ी बात और क्या होगी? अरिंदम को सजा हम नहीं, उसके कर्म खुद दे रहे हैं। मेरी मानिए तो आज रात को ही अरिंदम का काम खत्म करते हैं। अरिंदम को मार देते हैं, पुलिस को अरिंदम की लाश मिल जाएगी। मेरी मानिए तो आज रात को ही अरिंदम का काम खत्म करते हैं। सॉरी, आई एम सॉरी अरिंदम, माफ कर दीजिए अरिंदम। ये खेल भले आपने शुरू किया हो लेकिन इसे खत्म हम करेंगे अरिंदम। क्यों आपने उस चंदा को हमारी सौत बनाया? हाँ, क्यों उस गंदी नाली के कीड़े को हमारी गोद में डाला? हो क्यों किया आपने ऐसा? नहीं अरिंदम, ये ठीक नहीं किया आपने। हम तो बहुत प्यार करते थे ना आपसे अरिंदम, पागलों की तरह चाहते थे आपको। शान तो जेल जाएगा, वो जिंदगी भर के लिए जेल में सड़ेगा। बाप बेटे दोनों हमसे की गई बेवफाई की कीमत चुकाएंगे, चुकाएंगे आपकी। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलो अस्मिता। सर, निवेदिता मजूमदार अरिंदम अंकल पर अटैक करने वाली है। व्हाट? यस सर, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ तो एरिया हाई अलर्ट पर रखनी चाहिए। पिछली बार हमें अरिंदम मजूमदार वहीं मिले थे ना, हो सकता है अभी भी वो वहीं कहीं हो। अस्मिता, क्या तुम निवेदिता के प्लान के बारे में श्योर हो? सर, हालात ही कुछ ऐसे लग रहे हैं। सर, मजूमदार हाउस से सिर्फ और सिर्फ निवेदिता मजूमदार ही गायब है। इस वक्त पता नहीं वो कहाँ जा सकती है। मतलब? आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। कोर्ट में जज सर ने अरिंदम मजूमदार की डेड बॉडी ढूंढने के लिए सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे दिए हैं। अगर निवेदिता मजूमदार को इस केस में शान को फंसाए रखना है तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, वो है अरिंदम मजूमदार को मार देना और उनकी बॉडी कोर्ट में पेश करना। सर, हो सकता है वो इस बात को अंजाम देने के लिए गई हो। क्या बोल रही हो तुम अस्मिता? तुम्हें ये सर, मेरे असम्पशंस है, लेकिन मैं इस केस को और निवेदिता मजूमदार को जितनी अच्छी तरह से जानती हूँ, पॉसिबिलिटीज बहुत स्ट्रांग लग रही है सर। हो सकता है तुम्हारी थ्योरी सही हो अस्मिता। एक काम करो, शान को 1 मिनट के लिए भी अकेला मत छोड़ना। मेक श्योर कि वो अगले 24 घंटे में कहाँ जाता है, क्या करता है, उस सब के सारे सबूत हमारे पास होने चाहिए। कोर्ट में पेश करने के लिए शान की हर 1 मिनट का हिसाब हमारे पास होना चाहिए। यस सर। सर, आप प्लीज तुरंत कुमारतुली में सर्च शुरू करवा दीजिए। हो जाएगा, डोंट वरी अस्मिता। लेकिन तुम जैसा कह रही हो, अगर निवेदिता ने वैसा कुछ कर दिया तो शान पूरी तरह फंस जाएगा। सर, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। शान पर किसी भी तरह की आंच आने से पहले उसे अस्मिता से टकराना होगा। हर तरफ ध्यान से देखो, निवेदिता मजूमदार यहीं कहीं होगी। आपकी नाजायज औलाद ने हमें मजबूर कर दिया है ये कदम उठाने के लिए। अलविदा, अलविदा अरिंदम, अलविदा। इस तरफ। सब जगह चेक करो। कोई जगह बचनी चाहिए फटाफट। ये तो ताजा खून है। इसका यही मतलब है, या तो अरिंदम मजूमदार जिंदा है या तो उन्हें मारने के लिए कहीं और ले जाया गया है। अरे क्या बात क्या है? अरे चलो तो सही। अरे कोई मुझे कुछ बता ही नहीं रहा, कहाँ जाऊँ? जीना 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 उड़ा गुलाल माई तेरी चूनरिया लहराए। जीना 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 रे उड़ा गुलाल माई तेरी चूनरिया लहराए। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, माई तेरी चूनरिया लहराए। इतनी खुशी हुई ये जानकर कि तू रिहा हो गया। मुझे पता था मेरा बेटा मेरी कसम कभी छूटी नहीं खाएगा। मैं तो रिहा हो गया बड़ी माँ, लेकिन पापा का अभी तक कोई पता नहीं चला। तो चिंता मत कर, वो जरूर जिंदा है। मेरा मन कहता है कि मेरा सिंदूर सलामत है। जैसे तू बच के आ गया वैसे वो भी जरूर बच के आ जाएंगे। आई होप कि आपका मन सही कह रहा है, क्योंकि पहले हो ना हो लेकिन कोर्ट के ऑर्डर के बाद पापा की जान को वाकई खतरा है। अरिंदम बहुत टाइट बांध दिया हमने। दर्द हो रहा है आपको? आपको पता है, आपको पता है हमें तो आपको मार ही देना चाहिए था ना। मतलब हमने तो अपना मन भी पक्का कर लिया था, लेकिन हम आपको मार ही नहीं सके। हमसे वो हुआ ही नहीं। वो क्या है ना कि हम आपसे, हम आपसे प्यार करते हैं ऐसा मत सोचिएगा। ये भी मत सोचिएगा कि हमने भावनाओं में बहकर आपको छोड़ दिया ना। ऐसी कोई गलत फहमी मत रखिएगा। कोई तरस, कोई प्यार, कोई दया कुछ नहीं आती हमें आप पर, समझे? आप कुछ नहीं आती। हमारे हाथ रुक गए इसके पीछे एक बहुत ही प्रैक्टिकल कारण है। निवेदिता कभी कच्चा खेल नहीं खेलती। आप जानते हैं कि हमें आपको जिंदा क्यों रखना पड़ा? आपको जिंदा रखने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण है हमारा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या इम्पोर्टेंट कारण है ना अरिंदम? सोच रहे हैं ना ऐसा? अरे बताते हैं, सब बताते हैं आपको कि अभी सारी प्रॉपर्टी हृदय के नाम पे करनी बाकी है। अब देखिए ना, इतने सालों की मेहनत हम वेस्ट थोड़ी ना जाने देंगे। कुछ लिखाई पढ़ाई हो जाए फिर। आपको जिंदा रखने का कोई कारण नहीं बचेगा। जिस खबर ने आप लोगों को रात भर जगाए रखा वो खबर आ गई है। कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया है और ये उसकी कॉपी है। यानी कि कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट इस लिफाफे में। कोर्ट ने सारे सबूतों को देखने के बाद ये वर्डिक्ट दिया है। खबर अच्छी और खबर ये है कि कोर्ट ने शान को बाइज्जत बरी किया है और शान मजूमदार केस को अब बंद कर दिया है। कंग्रेचुलेशन शान। और इस वर्डिक्ट का एक और अहम हिस्सा है जिसकी वजह से जज साहब इस जजमेंट तक पहुंच पाए, और वो ये कि पुलिस 24 घंटे के अंदर अंदर अरिंदम जी की बॉडी को कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं कर पाई और इसी वजह से अरिंदम जी को मृत घोषित नहीं किया जाता। थैंक यू वेरी मच अस्मिता, सचमुच थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी और मुझ पर भरोसा करने के। आपके बगैर ये पॉसिबल नहीं होता वानी जी। Thank you so much, Vani ji. वैसे एक बात मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करना चाहूंगी कि ऐसी बहू अगर हर घर में हो ना तो परिवार सचमुच खुश रहेगा, क्योंकि इसकी मदद के बिना और टाइमली मदद के बिना मुझे नहीं लगता कि मैं इस केस को इतनी आसानी से सॉल्व कर पाती। अस्मिता, मुझे लगता है कि जो कुछ भी तुमने आज किया है सिर्फ तुम्हारी एफर्ट्स की वजह से आज शान मजूमदार यहाँ पर बाइज्जत बरी होकर तुम्हारे सामने खड़े। वैसे बहू हो तो अस्मिता जैसी। मुझे लगता है एक राउंड ऑफ अपलॉज तो बनता है अस्मिता के लिए। नहीं, चलिए मेरा यहाँ पर काम खत्म हुआ। अनदर केस वेट्स। तो इजाजत दीजिए मुझे यहाँ से जाने की। देखिए हमारे पास और कोई चारा नहीं था। आपको ये बात समझ में क्यों नहीं आती है? आवाज नीचे, ये तुम्हारा घर नहीं है जहां तुम चिल्लाओगी और बाकी सब सुनेंगे। तो आप हमारी प्रॉब्लम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? अरिंदम को मारने में हमारा ही नुकसान है। प्रॉपर्टी के बंटवारे के लिए हमें अरिंदम को जिंदा रखना होगा। हमने सब सोच समझ के डिसीजन लिया है। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी हमारे हृदय को मिले और उसके लिए हमें अरिंदम के सिग्नेचर्स चाहिए। शान के जेल जाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारे हृदय के नाम पर प्रॉपर्टी हो जाए और उसके लिए हमें अरिंदम को टाइम देना होगा ताकि वो साइन करने के काबिल हो जाए और हमें प्रॉपर्टी का नॉमिनी बना दे। अरिंदम को जिंदा छोड़कर बेवकूफी किया तुमने। बेटे के प्यार में अंधी तो हो ही, एक दिन मरोगी तुम। बोला था मैंने कि उसको मार दो, लेकिन तुमने अपनी अकल लगाकर उसको जिंदा छोड़ दिया। इस केस में शान को क्लीन चिट मिलना हमारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है जानती हो। हम सब समझते हैं लेकिन हम मजबूर थे। ठीक है, हमारी पार्टनरशिप बरकरार रखने का एक और मौका देता हूँ। शान को कोई ऐसी चोट पहुँचाओ कि उसे सबसे ज्यादा दर्द हो और वो तड़पे। देखता हूँ क्या करती हो तुम। और अगर तुमने ये काम ढंग से कर दिया तो ही मैं समझूंगा कि तुम इस काम को लेके सीरियस हो, वरना हमारी पार्टनरशिप खत्म और तुम जाओगी जेल, वो भी अकेली। हम प्रॉमिस करते हैं आपसे, वादा है हमारा आपसे कि कल शान की जिंदगी का सबसे बुरा दिन होगा। उसे कब, कैसे और कहाँ चोट पहुंचानी है ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। अगर कल शान को हमने बर्बाद ना कर दिया ना तो निवेदिता नाम नहीं हमारा।